अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीली बोलियां। बोली सुरीली स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सुरीली बोलियां में। कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं हमारे सब साथी? बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुश ना? होने भी चाहिए। बड़ी खुशगवार सुबह है। तारीख ही नहीं बदली, महीना भी बदल गया है। सितंबर आ गया है आज। जी हाँ, और इस नए महीने का पहला दिन, पहली तारीख, उस पर संडे की छुट्टी भी। लेकर आई हूं आपके लिए सुरीली बोलियां, इसलिए चुप ना बैठिए। लय में डूबी मस्ती भरी आवाज के साथ धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए। ठहरी हुई हवाओं में कुछ जादू बिखेरिए।
सुनी समाई थी मैं तुम्हारा तेरी मोहब्बत की खातिर दोनों जहां रे दोनों जहां रे सुरीली बोलिया का आगाज हो चुका है। दो जासूस फिल्म के गीत से कार्यक्रम को हमने शुरू किया लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों के साथ। हसरत जयपुरी का गीत था, संगीत रविंद्र जैन का। छोड़ दी है दरिया में कश्ती, बैठ भी जाइए सपनों की इस नाव में, मौके की ना तलाश कीजिए, खुद ही थाम लीजिए हाथों में पतवार, माझी का ना इंतजार कीजिए। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नैया ढूंढे किनारा।
कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माही नैया मुंडे किनारा, माही नैया मुंडे किनारा, ओ माही नैया मुंडे किनारा, माही नैया मुंडे किनारा। नए दिन की नई सुबह है, जैसे दिल चाहे उसी अंदाज में अपनी सुबह, अपना दिन और अपना जीवन भी हम ढाल सकते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी चंद लम्हों के लिए खूबसूरत होती है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि यही चंद लम्हे जिंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन जिसे बेहतर नजर आती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। तो हर बात ये बात सताती है हमें,
अब तो हर पल यही बात सताती है हमें, ये जमीन था जिसे बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती शहरयार का कलाम आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में, तर्ज बनाई थी खयाम ने और उमराव जान फिल्म से इसे हमने लिया था। और इससे पहले जो गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म उपहार से ये वो गीत हमने चुना था। आप हैं विविध भारती दिल्ली के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां, मेरे यानी अपनी दोस्त सीमा आर्य के साथ। कहाँ उड़ चली
जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज, गीत रचना मजरूल सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई आरटी वर्मन ने। मन भी कुछ इसी तरह आजाद होकर कहीं दूर उड़ जाना चाहता है ना? दरअसल इस मन की तबीयत ही आजाद रहने की है, हमेशा अपनी ही चलाता है। मुझे उड़ने हुए
बिना परों के ये उड़ता फिरता मन कई बार बड़ी मुश्किलों में डाल देता है। जी हाँ, इसलिए निगहबानी करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि ये जो चाहे हमेशा मिल जाए ऐसा तो होता नहीं ना। घर फिल्म से आपने ये गीत सुना था। लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार की गीत रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। आप हैं विविध भारती दिल्ली के साथ। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप हैं विविध भारती के साथ और सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 MHz पर। आप तक पहुंच रही हैं सुरीली बोलियां।
दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल मेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत आनंद बख्शी का। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ये है इंसान के अंदर का गुस्सा। उफ, इंसान अपने गुस्से, अपनी जलन और अपनी नफरत लेकर कहाँ जाए। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है।
सुना ना आपने, इतनी तपिश नफरतों की और हम सोचते हैं मौसम खुशगवार नहीं होता। वैसे कहते हैं नफरत और प्यार में बस इतना फर्क है कि जिससे प्यार करते हैं वो दिल में रहते हैं और जिनसे नफरत करते हैं वो दिमाग में रहते हैं। और सच तो ये है कि जिंदगी में सुकून के लिए प्यार ही एकमात्र चीज है जो जिंदगी को ना सिर्फ सुकून देती है बल्कि खुशी भी देती है। डॉन फिल्म का गीत आपने सुना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। अनजान की गीत रचना को स्वरबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आप हैं विविध भारती दिल्ली के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। तो आइए अब बात करते हैं आज के दिन विशेष की। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक ला खुशी का पयाम, कहीं कहीं दर्द ना लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम, कहीं कहीं दर्द ना लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूरन मासी को करा पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है, दादा तो अरे रे 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 रे। दादा तो जर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कार को तार, शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। क्या री? छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। हम कैसे कैसे काटू रतिया, बिर हम कैसे कैसे काटू रतिया, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सावरिया, आजा रे सावरिया, आजा आयो बैसा, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। ढाकिया डाक लाया ये सुनकर अच्छा लगा होगा ना आपको, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सोच रहे होंगे दिन विशेष की बात करी और डाकिया को बुला लिया, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। आज है 1 सितंबर और आज के दिन मनाया जाता है विश्व पत्र लेखन दिवस। अब जब पत्र लेखन दिवस की बात होगी तो डाकिया तो याद आएगा ही ना, इसीलिए डाकिया याद आया। और जब पत्र लिखने की बात आती है तो वाकई
ये एक कला है और गुजरे हुए जमाने में ये एक ऐसा महत्वपूर्ण जरिया था जिसके द्वारा लोग न सिर्फ अपनों की खैर खबर लेते थे बल्कि अपने विचार भी साझा करते थे। आज भले ही हम ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से काम करते हों या फिर पत्रों को लिखते हों, लेकिन फिर भी हाथ से लिखे पत्रों का महत्व आज भी है। और पत्र लेखन दिवस के माध्यम से पत्र लिखने के पारंपरिक तरीके को प्रोत्साहन दिए जाने की कोशिश की जाती है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में ऑस्ट्रेलिया के लेखक, कलाकार और फोटोग्राफर रिचर्ड सिमकिन ने की थी। 1990 तक खुद रिचर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के कई मशहूर लोगों को कई पत्र लिखे थे और उन्हें अपने पत्रों के जवाब भी मिले थे। फिर उन्होंने इस बारे में एक बाकायदा किताब लिखी, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स, और इस तरह उन्होंने दुनिया को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। और हर साल 1 सितंबर को ये दिन मनाकर हम इस परंपरा को जीवित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं। अब आज हमारे साथियों को भी तो वो दिन बहुत याद आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे हैं, वो दौर जब आपके खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखे अलग अलग अंदाज में पत्र हमें मिलते थे, हम तक पहुंचते थे। आज भी अपनी ये आदत को मत छोड़िएगा, अपने दोस्तों और नजदीकी लोगों को पत्र लिखते रहिएगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह घटते जी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। और
की तारीख की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हमारा समाज स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वस्थ पोषण यानी कि खान पान आवश्यक है। इसीलिए महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा ये जागरूकता अभियान सितंबर के पहले सप्ताह में चलाया जाता है। आप हैं विविध भारती के साथ और आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। और अब हम उस मकाम पर हैं जहां हम याद करते हैं आज की तारीख से जुड़ी शख्सियत जिनका जन्मदिन होता है या उनकी याद का दिन होता है। तो आज जाने माने साहित्यकार और शायर दुष्यंत कुमार का जन्मदिन है। 1 सितंबर 1933 में बिजनौर में उनका जन्म हुआ था। गजल विधा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनकी कई लोकप्रिय गजलें हैं जो आपने भी कभी ना कभी जरूर सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। और उनका जो गजल संग्रह है साए में धूप, बहुत ही प्रसिद्ध गजल संग्रह है ये। और उनकी गजल की चंद लाइनें आपकी नजर, ये जबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं जिनमें बसकर नमी नहीं जाती। देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। और अब आपको सुनवा रही हूँ उनकी वो गजल जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगी।
जितनी खूबसूरत ये गजल थी, ऐसे ही एक खूबसूरत और सुरीले गीतों को रचने वाले संगीतकार सी अर्जुन का भी आज जन्मदिन है। 60 और 70 के दशक के एक ऐसे संगीतकार जिनकी अविस्मरणीय धुनें उनकी पहचान है। उन्होंने यादगार संगीत तो बनाया, पर उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। आइए आज उनके जन्मदिन पर उन्हें करते हैं सादर नमन। आप सुनिए उनके संगीत से सजा ये गीत फिल्म पुनर्मिलन से, और कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। ओ, चल जाए तेरा जादू जिस पर, वो बन जाए तेरा ही दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना हो रे। भैरे भैरे में तो बावरी, भैरे तेरे रूप है कई, वो कोई शाम कहे तो कोई राम कहे, तो कोई शाम कोई राम, तेरे नाम जान गई गई, नाम जान गई रे। गई रे ये तो काम से, गई रे अभी जीत है नहीं, वो कभी शाम कहे ओ कभी राम कहे, ओ कभी शाम कभी राम, मेरे नाम से भी गई गई, नाम से भी गई रे। कुछ भी होगा वो फनघट पे गोदी, देखेगी सारी नगरिया, ओए रे देखेगी सारी नगरिया, मस्ती में राधा नाचेगी छम छम, सर पे उठा के गगरिया, ओए रे सर पे उठा के गगरिया, मस्ती में राधा नाचेगी छम छम, सर पे उठा के गगरिया। बोल